वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का है और इंडिया ने अनबीटन जाना है। लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल, ये उनकी काइंडनेस थी और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। उस मैचेस जो इंडिया खेल चुका है, आगे खेलेगा, वर्ल्ड कप लेके जाएगा, तो वो सिर्फ इंडिया हक रखता है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारी बॉलिंग है, हमारी बैटिंग है, हमारे ऑलराउंडर हैं, हमारे प्लेयर हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है वो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया, इंडिया की मोहब्बत पैदा कर दी। जी मुझे लगता है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप डिजर्व करती है, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, खास तौर पर फील्डिंग पे मैं ज्यादा वो करूंगा। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग हंड्रेड ऑफ लोगों को रोज में मिलता था और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूं तो वो बहुत पॉजिटिव है। इंडिया के स्टेडियम की बात करें, इस दफा जो मैचेस हो रहे हैं सारा का सारा वर्ल्ड कप इंडिया में है, पाकिस्तानी उनके स्टेडियम की बड़ी तारीफ करें कि क्या जबरदस्त स्टेडियम है, दुबई स्टाइल के जो स्टेडियम है, और अपने स्टेडियम में कहते हैं खिलाड़ी खेल रहा हो तो नजर ही नहीं आता, दूरबीनें लगानी पड़ती हैं। नहीं, असल वजह हमारी तवज्जो ही नहीं है। ये हमारा कजाफी स्टेडियम देखें, ये कब का भट्टो के दौर का स्टेडियम है, पुराने जमाने का। एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है वहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। क्या लगता है वर्ल्ड कप जीता हुआ नजर आ रहा है इंडिया? यार ये तो अब आपके पूछने वाली बात बनती नहीं है, ये तो 110% हो गया, 1000% हो गया, ये मेरा टूर्नामेंट मुकम्मल हो गया, तब भी आप ये एक बार दोबारा रीटेक लगा दीजिएगा कि इंडिया जो है अनबीटेबल टूर्नामेंट जीतने वाला है, ये हो ही नहीं सकता, और इनका टूर्नामेंट ये रिकॉर्ड इनका कोई तोड़ भी नहीं पाएगा आने वाले में। वहाँ पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था, इस बार भी मैंने ट्रेवल किया, फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है, तो अब वहां पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं, फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस दफा अपना काम कर जाएगी। नहीं तो क्या लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती? नहीं, कितने परसेंट चांस है इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने? अब चांस कह सकते हैं कि देखिए हम भी इसी तरह अनबीटन रहे थे, आप अगर 2021 का आपने T20 का मैच देखा हो तो 5 हम जीत के डायरेक्ट सेमीफाइनल में गए थे और ऑस्ट्रेलिया से हार के आ गए थे, मुझे बिल्कुल यही लग रहा है। लेकिन हम पाकिस्तान है और वो इंडिया है। मुझे वहां पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर, आवाम को वहां पर बहुत सारी सहूलतें हैं, आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट चले जाए वहां की मार्केट चले जाए तो डिफरेंस है, लोगों का एटीट्यूड, असल बात है मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की कुछ लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों पाक के एक पत्रकार जो कि वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया में आए और इंडिया के लोगों द्वारा उन्हें इतना प्यार मिला कि वह इंडिया के मुरीद हो गए हैं और इंडिया की खूब तारीफें कर रहे हैं, उनका तो अब इंडिया से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। दोस्तों यही तो इंडियन लोगों की खूबसूरती है, बाहर से चाहे जिस भी देश से लोग इंडिया में आते हैं वह इंडिया के दीवाने हो जाते हैं, उन्हें हिंदुस्तानी लोगों द्वारा बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। वहीं दोस्तों भारत को वर्ल्ड कप से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है, $2.6 बिलियन का फायदा इंडिया को हुआ है, इसके अलावा खाने पीने व एडवर्टाइजमेंट के पैसे की बात अलग है। दोस्तों सिर्फ क्रिकेट से इतने पैसे की बात सुन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। वहीं दोस्तों इंडिया की परफॉर्मेंस देख पाकिस्तानी भी ये कह रहे हैं कि यह वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगा क्योंकि इंडिया ने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों एक खबर जिसने पूरे पाकिस्तान को सकते सदमे टेंशन में डाल दिया है, ये सुना जरूर है, देख भी रहे कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी जो एक्चुअल फिगर तो नहीं, लेकिन लमसम अमाउंट सामने आई है, पाकिस्तानी 67,000 करोड़ की जो अर्निंग है इंडिया इस वर्ल्ड कप से कमाएगा। अगर खानों की बात करें तो सिर्फ खाना बेच के 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट किया है इस वर्ल्ड कप को लेके, और इसके साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो अलग ही बात है, मीडिया सोशल राइट्स जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अंकल हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छा लगता है जब भी हम इस लोकेशन पे आते हैं, आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो इंडिया ने वर्ल्ड कप से जो रेवेन्यू जनरेट किया इस पे क्या कहेंगे? नहीं इस बारे से मैं ये कहूँगा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अमन कैम्प किया है, पीस है, क्योंकि
खेल वहाँ पे जाता जहाँ पे पीस हो। जबरदस्त 67,000 करोड़ इंडिया ने कमा लिया वर्ल्ड कप अपने मुल्क के अंदर होस्ट करा के, क्या कहोगे, दुख रहा है दिल, जज्बात कोई आ रहे हैं कि काश ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती? जी बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग, डर के भाग जाते। जिन लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पर, बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मजा आया मुझे, एक बड़ा वंडरफुल टूर था, बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीजा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था, और मैंने ICC से अपना जो एग्रीडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे मेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का, मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है, इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से, लेकिन वो जो लहजा था वहां के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। पूरी इंडिया के कंट्री को, इंडिया की टीम को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, प्रणाम सबको दिल के गहराइयों से। देखे ये है जज्बा हम पाकिस्तानियों का कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं जानेंगे कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम है क्रिकेट लवर, नो कंट्री नो बाउंड्री, ठीक है, यहाँ पे बात है क्रिकेट की, तो क्रिकेट हो रही है इंडिया में और अच्छा खेल रहा है इंडिया, तो जबरदस्त मैचेस जो इंडिया खेल चुका है, आगे खेलेगा, वर्ल्ड कप लेके जाएगा, तो वो सिर्फ इंडिया हक रखता है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारी बॉलिंग है, हमारी बैटिंग है, हमारे ऑलराउंडर हैं, हमारे प्लेयर हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया, इंडिया की मोहब्बत पैदा कर दी है, जो हमारे आज तक बड़ों ने सब ने सिखाया जी इंडिया दुश्मन ये वो, हाँ गलत है, क्योंकि यार कोई भी दुश्मन नहीं होता, दुश्मन वो ही होता है जो किसी के लिए बुग्ज़ रखता है, किसी के लिए नफरत रखता है, तो हम इंसान इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। और बात यहां हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट में तो यार प्यार ही प्यार बांटे जाते हैं, और जो जैसे आज बॉलिंग इंडिया की प्यार बांट रहे हैं इंडिया वालों के लिए हम, जी जी बहुत देखिए हमारा प्यार है, सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बैटिंग देख के, उनकी बॉलिंग देख के हमारा, हमारे दिल से लव यू निकल रहा है उनके लिए, तो ये बहुत स्पेशल चीजें हैं जो हम शायद कल हम ऑन द एयर शेयर कर रहे हैं इंडियन ऑडियंस के साथ यार कि आप हमें देखें, आप हमें सुने कि हम लोग वो लोग नहीं है कि जो आप बुग्ज रखते हैं और दुश्मनी का ज़हन रखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम क्रिकेट लवर हैं। जैसे कि छोटी टीमों को, किसी को कोई वीक टीम है उसको ऑल आउट कर दिया है इतने कम स्कोर पे, एक वर्ल्ड क्लास टीम जो मतलब कि जो उसके मुकाबले पे जा रही है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर नीचे, कभी साउथ अफ्रीका ऊपर हो रहा था, कभी इंडिया ऊपर हो रहा था, उसके दरमियान जब ऐसी दो टीमों के दरमियान में मुकाबला हो और उस उन दो टीमों में से कोई टीम एक अच्छा परफॉर्म करे, तो फिर डेफिनेटली कहा जाएगा कि ये सुपर टीम है, यही सबसे बेस्ट टीम है, और उन्होंने आज इंडिया ने दिखा दिया कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को उन्होंने 83 पे ऑल आउट करके उन्होंने दिखा दिया कि उनकी बॉलिंग किस किस किस्म की बन चुकी है, किस लेवल पर जा चुकी है।